वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है और पिछले महीने की तरह इस महीने भी हमें ढेर सारी साउथ की हिंदी डब फिल्में और दो बड़ी तेलुगु फिल्में देखने को मिलने वाली है, जिनकी रिलीज डेट अब कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको भी साउथ की हिंदी डब फिल्में देखना पसंद है या फिर आप भी हैं साउथ फिल्मों के दीवाने, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की साउथ और हिंदी डब फिल्मों की अपडेट्स और रिव्यूज हम आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन दो बड़ी तेलुगु फिल्मों के बारे में जो हमें अप्रैल के महीने में थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है। इस लिस्ट में जो सबसे पहली फिल्म है वो है मजली। मजली एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल में हमें नजर आएंगे नागा चैतन्या, समांता अकिनेनी और दिव्यांश का कौशिक। शादी के बाद ये पहली बार है कि समांता और नागा चैतन्या किसी फिल्म में एक साथ नजर आ रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद ये दोनों एक ऐसी फिल्म में नजर आएंगे जहां पर नागा चैतन्या एक हारा हुआ इंसान है जो क्रिकेटर बनना चाहता था, पर बचपन में अपने प्यार को खोने के कारण वो अपना फोकस खो बैठा और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिर उसकी शादी समांता से कर दी जाती है जिससे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। समांता इस फिल्म में श्रावणी नाम का कैरेक्टर प्ले कर रही है जो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। फिल्म का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग और इमोशनल है। ट्रेलर में आप साफ साफ समांता की ब्रिलियंट एक्टिंग भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म एक बहुत ही इमोशनल रोमांटिक फिल्म निकले और ये फिल्म ऑडियंस को रोने पर मजबूर कर दे। वैसे ये फिल्म 5 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया तेलुगु भाषा में रिलीज हो रही है। और इस महीने जो दूसरी तेलुगु फिल्म रिलीज होने वाली है वो है नेचुरल स्टार नानी की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जर्सी। इस फिल्म में हमें नानी के अपोजिट नजर आएंगी कन्नड़ा एक्ट्रेस श्रद्धा श्रीनाथ। इस फिल्म का अब तक सिर्फ एक टीजर आया है जिसे साफ साफ पता चल रहा है कि जर्सी एक मोटिवेशनल मूवी होने वाली है। जहां इस फिल्म के टीजर से साफ साफ पता चल रहा है कि इस फिल्म में नानी बचपन से ही एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, जिसके लिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक मौका भी दिया, पर वो उस मौके को भुना नहीं पाए और उस मौके को गंवाने के बाद उन्हें अपने सपने को भुलाना पड़ गया। फिर जिंदगी के उस पड़ाव पर जहां पर हर एक क्रिकेटर रिटायरमेंट के लिए सोचता है, उस पड़ाव पर नानी को अपने इस सपने को पूरा करने का एक मौका मिलता है। नानी ने खुद एक इंटरव्यू में ये कहा था कि ये उनके करियर की सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म है और वो इस फिल्म में अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वो रोज 3 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ मसालेदार फिल्म और कॉमेडी फिल्म करने के बाद नानी फिर से एक अच्छे कंटेंट के साथ वापस आ रहे हैं। वैसे आपको नानी कैसे रोल में पसंद है, आपको नानी सीरियस रोल में पसंद है या फिर कॉमिक रोल में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप भी तेलुगु फिल्मों को थिएटर्स में देखना पसंद करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म 19 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया तेलुगु भाषा में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे वो दो तेलुगु फिल्में जो इस महीने सिर्फ तेलुगु भाषा में थिएटर्स में रिलीज होने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं उन साउथ की फिल्मों के बारे में जो आपको अप्रैल के महीने में हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलने वाले हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहली फिल्म है वो है थंगा मंगन। थंगा मंगन 2015 में आई एक तमिल सुपरहिट फैमिली ड्रामा फिल्म थी जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे धनुष, समांता और एमी जैक्सन। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन में धनुष को आवाज दी है राजेश कावा ने और इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है पाप की कमाई, जिसका वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिलेगा 5 अप्रैल को रात 8 बजे स्टार गोल्ड पर। वैसे स्टार गोल्ड की फिल्मों के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलती है कि कुछ लोग फिल्म के टेलीकास्ट वाले दिन ये कमेंट करते हैं कि ये फिल्म स्टार गोल्ड पर नहीं आ रही है, पर दरअसल बात ये होती है कि वो लोग जियो टीवी पर इस फिल्म को देखने की कोशिश करते हैं। तो शायद मेरे पास वैसे तो जियो का सिम नहीं है तो मुझे नहीं पता, पर जहां तक मुझे पता चला है उस हिसाब से शायद जियो टीवी पर सिर्फ स्टार गोल्ड HD आता है, जिस पर कभी भी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर वाली जो फिल्में होती हैं वो बहुत ही कम दिखाई जाती है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं स्टार गोल्ड पे तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस फिल्म को टीवी पर ही देखिएगा। इस लिस्ट में जो दूसरी फिल्म है वो है 2017 की तमिल एक्शन कॉमेडी फिल्म अनबवन असरवन अड़गवन। इसमें हमें लीड रोल में नजर आएंगे सिम्बू, श्रेया सनन और तमन्ना भाटिया। फिल्म को IMDb पर बहुत ही खराब यानी कि 10 में से सिर्फ 2.6 की रेटिंग हासिल है और ये एक फ्लॉप फिल्म थी। आपको बता दूं कि इस फिल्म को पहले 2 पार्ट्स में रिलीज करने की प्लानिंग की गई थी और फिल्म का जो सेकेंड पार्ट था उसकी 85% तक की शूटिंग कंप्लीट भी हो गई थी, पर क्योंकि फिल्म के फर्स्ट पार्ट को बहुत ही खराब रिव्यू मिले और फिल्म का फर्स्ट पार्ट एक फ्लॉप साबित हुआ तो इसलिए फिल्म के सेकंड पार्ट को कैंसिल कर दिया गया। वैसे अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 8 अप्रैल को रात 9 बजे सेट मैक्स पर और ये मूवी आपको उसी रात को गोल्ड मैन टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी, जिसके हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है खेल किस्मत का। इस लिस्ट में जो तीसरी फिल्म है उस फिल्म का लोग टीवी पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, वो फिल्म है 2018 की सुपरहिट साइंस फिक्शन फिल्म 2.0। अक्षय कुमार, रजनीकांत और एमी जैक्सन
एक्शन स्टारर। इस फिल्म को वैसे तो काफी लोगों ने थिएटर्स में ही देख लिया होगा, पर अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में नहीं देखा है और आप वेट कर रहे हैं इस फिल्म के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर का, तो आपको बता दूं कि 2.0 का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 21 अप्रैल को दोपहर 12 बजे जी सिनेमा पर। उसके कुछ दिनों बाद आपको ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में, जो आज की आखिरी फिल्म है वो है 2017 की तमिल साइंस फिक्शन फिल्म मायावन, जिसमें लीड रोल में हमें नजर आएंगे संदीप किशन, लावण्या त्रिपाठी और जैकी श्रॉफ। वैसे वाइड एंजल मीडिया यूट्यूब चैनल इस फिल्म को 30 मार्च को यूट्यूब पर अपलोड करने वाला था, पर किसी कारण से उन्होंने इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। तो यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है कि क्योंकि RX100 के यूट्यूब प्रीमियर के कारण टीवी पर इस फिल्म को अच्छी खासी TRP नहीं मिल पाई जो कि वो फिल्म डिजर्व करती थी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो टीवी चैनल वाले होंगे उन्होंने इस फिल्म की YouTube प्रीमियर करने के लिए मना कर दिया हो। फिर भी मुझे लगता है कि ये फिल्म आने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी और आपको शायद ये फिल्म इसी महीने टीवी और यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ तेलुगु और हिंदी डब फिल्में जो इस महीने यानी अप्रैल महीने में हमें देखने को मिलने वाले हैं। आपको इनमें से कौन सी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है या फिर आप इनमें से कौन सी फिल्म देखने वाले हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।